आज जर्नी की शुरुआत करते हैं मधुबनी से कुशेश्वर स्थान के लिए, जो कि बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ जाने का दो रास्ता है, एक तो आप दरभंगा से जा सकते हैं और दूसरा जो कि मैं मधुबनी से निकला था तो मैं सकरी होते हुए सकरी स्टेशन के बगल से सीधे कुशेश्वर स्थान के लिए निकल पड़ा। कुशेश्वर स्थान पहुँच चुके हैं और ये जो तालाब है ये कुशेश्वर स्थान पे मंदिर के बगल में ही है, थोड़ा सा पास पे। और मंदिर के मुख्य द्वार पे ये जो है सो एक नल लगा हुआ है, यहाँ पे आप हाथ पैर धो के उसके बाद मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य द्वार से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको जो सीधे एक मंदिर दिख रहा है वही भगवान शिव का मंदिर है और ये मंदिर माता पार्वती का है। कुशेश्वर स्थान तक सीधे रेल लाइन तो है नहीं, इसलिए आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा, या तो बस से या फिर पर्सनल कार से या फिर ऑटो से। टोटल रास्ता जो है सो 74 किलोमीटर्स की है। हमने जो है सो एक कुआं है जिसमें से ही जल भर के भगवान शिव को और हर एक भगवान को अर्पित किया जाता है। और देख सकते हैं ये कितना सुंदर कछुआ है इसमें, ये हमेशा इसी में रहता है और तैरते रहता है इसमें। अभी जो है सो हम लोग एक एक मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए हर भगवान का, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। ये जो है सो एक पंडित जी वहाँ मिले हैं, ये पहले तिलक करके उसके बाद संकल्प करा के उसके बाद फिर हर मंदिर में पूजा कराएंगे और इन्हीं से जानेंगे हम यहाँ का स्टोरी क्या है। और 12 बज चुका था तो गेट बंद हो चुका है शिव जी का, क्योंकि 12 से एक यहाँ पे गेट बंद होता है, तो इसलिए गेट पे ही पूजा कराया जा रहा है पहले शिव जी का, उसके बाद हर मंदिर में पूजा कराया जाएगा। जैसे ही गेट खुलता है उसके बाद जो है शिवलिंग की पूजा की जाएगी। जिनका अभी चंदन से तिलक किया जा रहा है उनका नाम शिवाय है। माता पार्वती और गणेश जी के मंदिर में, तो इसके बाद भैरव बाबा के मंदिर में जाएंगे और जितने भी मंदिर है उस सब में जाकर के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, तो मेरे माध्यम से हर मंदिर में दर्शन कीजिए। और मंदिर के कैंपस में एक विशाल पीपल का पेड़ भी मिलेगा जिसकी भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में यही तो है जो हम लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, जल हो और हवा हो, हर चीज़ की पूजा करते हैं। और ये जो है सो माता अन्नपूर्णा है। शिव जी के मंदिर का एक द्वार खुल चुका है और हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे पूजा करने के लिए। यही वो शिवलिंग है जो भगवान कुश के द्वारा स्थापित की गई थी। इस जगह को मिथिलांचल का बाबा धाम भी कहा जाता है। बाबा धाम जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो मैं आपको एक नए वीडियो में बाबा धाम भी ले चलूँगा, एक नए ब्लॉग में, और शिव जी का वहाँ भी दर्शन कराऊँगा। नंदी का पूजा करके अब सुनते हैं यहाँ का स्टोरी क्या है। कुशेश्वरनाथ जो है सो राम के पुत्र कुश और कुश मुनि के द्वारा उनके द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग है। यह शिवलिंग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह शिवलिंग मनोकामना लिंग है। यहाँ पर जो किसी भी मनोकामना लेकर जो भी यात्री यहाँ पधारते हैं उनकी मनोकामना को बाबा कुशेश्वर स्वयं आकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं जो यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं। यहाँ सावन में अत्यधिक मेला रहता है, सावन का महत्व है यहाँ। और जब कुश मुनि जी यहाँ रहते थे, जो राम जी के पुत्र कुश का गुरु भी है, वो जो यहाँ रहते थे, बहुत घना जंगल था यहाँ पर। उस जंगल में एक गाय प्रतिदिन आके अपना दूध का अनावरत अपने मन से वह दूध को जलधार देते थे बाबा को, कुशेश्वरनाथ को। बहुत सारा आदमी यहाँ ग्वाला जो था वो देखा कि यहाँ भाई बात किया है, जो डेली बाई डेली कोई गाय आके यहाँ अपना दुग्ध को छोड़ देती है। तो खुदाई किया गया तो वहाँ से बाबा का शिवलिंग प्राप्त हुआ।
उस समय कुश मुनि यहाँ रहते थे, उन्होंने कुश राम का जो पुत्र थे लव और कुश, वो यहाँ मिथिला भ्रमण में आए हुए, उनके द्वारा उनको स्थापित करवाया और उसी दिन से इनका नाम बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव पड़ गया। यहाँ की कहानी भी सुन चुके हैं और पूजा भी हो चुकी है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। पर रास्ते में एक जगह ऐसा पड़ता है जिसे हम नौका विहार कहते हैं, नौका विहार जिसमें नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत सारी पक्षियाँ बहुत दूर दूर से यहाँ पे आती है और यहाँ पे आके वास करती है। तो चलिए मैं आपको उस जगह को भी दिखाता हूँ। यही वो जगह है जिसे हम नौका विहार कहते हैं और ये बहुत दूर में फैला हुआ है।